हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 15, और ये पेपर हुआ था 9 अगस्त 2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको फोर्थ कमिंग एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस और दूसरे सभी एसएससी एग्जाम्स को कवर करने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये स्पॉटिंग लगा क्वेश्चन है, आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, फादर और एल्डर ब्रदर। तो उसके लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में आर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चूँकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आर नॉट बोला गया है। आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और ये सेंटेंस सही है, इसमें आपका आंसर होगा नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। आर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 7 फ्लोर्स एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स। देखिए, कंप्राइजेज का प्रयोग यहाँ पर सही है। कंप्राइजेज के बाद हम इजमार नहीं लगाते, कंप्राइजेज को प्रेजेंट सिंपल टेंस में चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम इसके बाद हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑफ का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं, जैसे इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसमें हम कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्डिंग सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर कंप्राइज सही है। 7 फ्लोर्स एंड ए रेस्टोरेंट एट द टॉप। देखिए, अगर टॉप वो है तो फिर अंदर क्यों होगा? यहाँ पर एक वर्ड देखिए, इन, एट द टॉप इन एन एरिया, एट द टॉप इन एन एरिया, एट द टॉप ऑफ एन एरिया होना चाहिए, एट द टॉप ऑफ एन एरिया। एक एरिया का टॉप है वो, एक एरिया का वो टॉप प्लेस है, और टॉप पर है वो एक्चुअली ऑफिस। और ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस, मतलब हमारा जो ऑफिस बिल्डिंग है उसमें क्या क्या है, 7 फ्लोर्स हैं और एक रेस्टोरेंट है, और एक एरिया के टॉप पर है, एट द टॉप ऑफ एन एरिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, और इनके स्थान पर यहाँ पर ऑफ आप लगा सकते हैं, बी इसमें आपका सही आंसर होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कंप्राइज के बाद हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, मेन सब्जेक्ट है जॉन। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े रहते हैं, तो जो मेन सब्जेक्ट माना जाता है वो एज वेल एज से पहले का सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज, अब यहाँ पर आपको एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस लगा हो, ठीक है। तो परमिशन के लिए हम सीक बोल सकते हैं, सीक यहाँ पर बिल्कुल सही वर्ड है। हालांकि आस्क भी बोल सकते हैं, आस्किंग द परमिशन, लेकिन सीक थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, तो सीक यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट चॉइस आपका रहेगा। और एस लगेगा इसमें वर्ब में, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो जॉन है, फ्रेंड्स नहीं है। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको हम रियल सब्जेक्ट मानते हैं। माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स, यहाँ पर भी रियल सब्जेक्ट माई सिस्टर माना जाएगा, अनलाइक माई ब्रदर्स नहीं माना जाएगा। तो माई सिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स वांट्स टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग, तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, वांट्स आएगा, वांट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। सिनोनिम आपको बताना है बॉइस्टरस का, और बॉइस्टरस का मतलब होता है जहां पर काफी ज्यादा शोर शराबा हो, शोरगुल को हम बॉइस्टरस बोलते हैं, शोरगुल होने को, ठीक है। तो क्लैमर का मतलब भी वही होता है, क्लैमर का मतलब भी नॉइज होता है। तो बॉइस्टरस का सिनोनिम जो होगा वो क्लैमरस होगा। फेरोसियस का मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जंगली जानवर जो होता है उसको हम बोलते हैं फेरोसियस। फिसी पेरस ये फिशन से वर्ड बना है, जिसको सेपरेट किया जा सकता है, जिसको जो सेपरेट पार्ट्स में जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिसी पेरस। वॉल्यूमिनस मतलब बहुत भारी, ठीक है। तो इस तरीके से इनके मीनिंग भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्लैमरस का होगा नॉइजी और बोसीफेरस, फेरोसियस का होगा वायलेंट या क्रूअल, फिसीपेरस का सेपरेबल, और वॉल्यूमिनस का बिग या ह्यूज।
इस तरीके से क्लैमरस इसका सही सिनोनिम होगा, और यदि इसका एंटोनिम पूछा जाए तो इसका एंटोनिम होगा पीसफुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैगर्ड, हैगर्ड का अर्थ होता है थका हुआ या एग्जॉस्टेड, तो इसका सही सिनोनिम होगा एमेसिएटेड। एमेसिएटेड, एमेसिएट, एमेसिएटेड का अर्थ होता है दुबला पतला। ठीक है, तो एमेसिएट, क्योंकि ये नहीं होंगे इसके। इनसेन का मतलब मेंटली इल होता है, रिजेक्टेड मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, रिडिक्यूल मतलब हंसी उड़ाना, तो एमेसिएट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। हैगर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड, एमेसिएटेड, केयर वर्ड भी होता है इसका, केयर वर्ड। इनसेन का मेंटली इल होगा, रिडिक्यूल का मॉक होगा या हंसी उड़ाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम बताना है यहाँ पर ऑस्टेंटेशन या ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशन नाउन है, ऑस्टेंटेशियस यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। ऑस्टेंटेशन का मतलब है दिखावा करना, शो ऑफ करना, जिसको हम प्रिटेंशन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है आपसे, तो ऑस्टेंटेशन का सही एंटोनिम होगा मॉडेस्ट, क्योंकि मॉडेस्ट जो व्यक्ति होता है वो दिखावा नहीं करता। इनसेन मेंटली इल, कॉमिकल मतलब रिडिकुलस, और स्वैंकी, स्वैंकी हम बोलते हैं एक पॉश जगह को, एक पॉश कोई भी अच्छी जगह, डिसेंट जगह, उसको हम बोलते हैं पॉश, पॉश या क्लासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉमिसरेट, कॉमिसरेट क्या होता है? कॉमिसरेट होता है सिंपैथाइज करना, किसी व्यक्ति के साथ संवेदना दिखाना, उसको हम बोलते हैं कॉमिसरेट। इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, COMMISERATE, कॉमिसरेट। तो एम्पैथी एक्चुअली इसका सिनोनिम होगा, लेकिन यदि आप एम्पैथी नहीं दिखाते हैं तो आप कैसे हैं, इंडिफरेंट हैं, तो इंडिफरेंट इसका सही एंटोनिम होगा। डिबेटेबल, जिस पर डिबेट हो सकती है, इंडिफरेंट मतलब जो जो कंसर्न नहीं है, और लीजर हम बोलते हैं एक एरिया को, क्राउड या मास को हम बोलते हैं, एक लोगों का समूह जो होता है उसको हम बोलते हैं लीजन, और कमिसरेट का मतलब होगा सिंपथाइज। चलिए आगे देखते हैं इडियम फ्रेज के ये क्वेश्चन हैं। पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट का मतलब है इधर से उधर घूमना, अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। रिलेक्टेंट का क्या मतलब है? रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, अनविलिंग होना, तो यहां पर सही आंसर होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब नो रियल चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स। अदर का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन यहां पर ग्रेटेस्ट का हमने प्रयोग किया है, तो ग्रेटेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां पर हम बोलेंगे विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल राइटर्स। अदर नहीं आएगा, अदर आता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑल द, एनी अदर भी कंपैरेटिव डिग्री में आता है। शी इज नॉट यूज टू फॉर सो लॉन्ग, शी इज नॉट यूज टू फॉर सो लॉन्ग। देखिए, जब यूज टू का प्रयोग हम बिना एजेएमआर के करते हैं तो ये पास्ट सिंपल टेंस माना जाता है ये। जब इस यूज टू का प्रयोग हम एजेएमआर के बात करते हैं तो इसको हम एडजेक्टिव मानते हैं, और एडजेक्टिव के बाद नाउन फॉर्म या जेरंड फॉर्म का आना जरूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे शी इज़ नॉट यूज टू स्लीपिंग। यहाँ पर एजेएमआर लगा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिए, जब एजेएमआर या वॉचवर्ड लगा रहता है तब हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जब एजेएमआर और वॉचवर्ड नहीं लगा रहता तब हम सिंपल यूज टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर होगा सी इज़ नॉट यूज टू, सी इज़ नॉट यूज टू स्लीपिंग, बी नहीं आएगा, सी इज़ नॉट यूज टू स्लीपिंग, शी इज नॉट यूज टू स्लीपिंग फॉर सो लॉन्ग। यहां पर यूज टू का मतलब होता है किसी चीज की आदत होना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। किथ एंड किन होता है आपके नियर एंड डियर जो होते हैं, आपके रिश्तेदार जो होते हैं, उनको अनड्यू फेवर देना, ठीक है, पक्षपात करना, तो इसको हम बोलेंगे नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म को आप नेफ्यू से याद कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति है और दो लोग नौकरी पर आए हैं, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने नेफ्यू को, अपने भतीजे को नौकरी पर रख लिया, भाई भतीजा बात जिसको हम बोलते हैं, तो
तो नेपोटिज्म यहां पर सही आंसर होगा। मेडन क्या होता है? मेडन हम बैचलर गर्ल को भी बोलते हैं, बैचलर वुमेन को भी बोलते हैं। मेडन कोई भी आपका फर्स्ट स्पीच है, फर्स्ट एक्ट है, कोई भी आपका टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं मेडन, फर्स्ट फर्स्ट एक्ट। आइकोनोक्लास्ट जो जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, जो आइकॉन्स हैं उनको तोड़ देता है जो व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। एबलेज्म का मतलब होगा जो डिसेबल व्यक्ति हैं उनके साथ पक्षपात करना, ठीक है, एबलेज्म। तो ये चार यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका डिटेल मीनिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नेपोटिज्म। वन हु डजंट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर और आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या अनकंसर्न है, उसको हम बोलते हैं फिलिस्तीन। हिपोक्रिट हम बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कहता कुछ है और करता कुछ है, जो पाखंडी व्यक्ति है, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रिट। डिक्टेटर तानाशाह होता है, ठीक है। और फिर प्रिमिटिव मतलब पुराना या एंशियंट, जैसे प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग, आदि मानव जिनको हम बोलते हैं। तो ये चारों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कर्नल, ये कर्नल की स्पेलिंग है, C-O-L-O-N-E-L, कर्नल की स्पेलिंग सही है। हिपोक्रिट की स्पेलिंग गलत है, ऑफेंस की स्पेलिंग सही है, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग सही है। हिपोक्रेसी होता है, C-R-I-S होता है एक्चुअली, हिपोक्रेसी में सी नहीं आता, एस आता है और यहाँ पर आई आएगा, तो हिपोक्रेसी की स्पेलिंग गलत है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रोसीड की स्पेलिंग सही है, रिसीड सही है, सक्सीड, सक्सीड में डबल सी डबल ई आता है, सही है। प्रीसीड की स्पेलिंग होती है P-R-E-C-E-D-E, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग है ये P-R-E-C-E-D-E। ये है पैराजंबल के क्वेश्चन और इसको करते हैं, देखिए कहाँ से ये शुरू होगा। एंड इफ तो एक कनेक्टर है, यहाँ से शुरू नहीं होगा, बट कनेक्टर है, शुरू नहीं होगा, एंड कनेक्टर है, शुरू नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा सेंटेंस। अ लाई इज, यहाँ से ही शुरू होगा। अ लाई इज व्हेन यू से समथिंग हैपेंड विच डिड नॉट हैपन, मतलब एक झूठ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बोलते हैं कि ऐसी चीज़ हुई लेकिन वो हुई नहीं। अ लाई इज व्हेन यू से समथिंग हैपेंड विच डिड नॉट हैपन, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, इसके बाद हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट देयर इज ओनली वन थिंग विच हैपेंड एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस, तो यहाँ पर भी एक्चुअली ये सिंगुलर नाउन की हम बात कर रहे हैं और इसमें भी हम एक सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से एक पेयर बन रहा है और इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, एंड देयर आर एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ थिंग्स विच डिड नॉट हैपन एट दैट टाइम एंड दैट प्लेस, एंड इफ आई थिंक अबाउट समथिंग विच डिड नॉट हैपन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स। देखिए यहाँ पर एक्चुअली प्लूरल नाउन है और यहाँ पर भी प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो पहले ये सेंटेंस आएगा, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, उसके बाद एंड के बाद आएगा और उसके बाद फिर एंड से ये वाला सेंटेंस जुड़ जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? सही ऑप्शंस इसमें होगा आपका, पहले एस आएगा फिर क्यू आएगा और उसके बाद आएगा आर फिर पी आएगा, इसका मतलब डी आपका सही आंसर इसमें होगा। काफी ट्रिकी ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंडेटरी पेयर आपको बनाने होते हैं, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन को जोड़ा है, ठीक है। इस तरीके से इसका एक सेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफ़ी ट्रिकी पैराजंबल का क्वेश्चन है और देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम जनरल सेंटेंस को लेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक सेंटेंस को लेंगे। सिमिलरली वाला सेंटेंस आखिरी में आएगा क्योंकि यहाँ से हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये हो जाएगा फर्स्ट।
एंड अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व वुड साइमल्टेनियसली रिजल्ट इन एन अपवर्ड शिफ्ट इन द लेबर डिमांड कर्व। देखिए ये हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर भी हम इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं फूड में और लेबर में, और यहाँ पर भी हम इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि एक चीज़ आगे बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी आगे मूव होगी। तो क्यू एस इसका एक बन जाएगा, और उसके बाद ये होगा थर्ड, फोर सिमिलरली वाला सेंटेंस होगा आखिरी वाला। तो क्यू एस पी आर इसमें आपका सेंटेंस बनेगा, क्यू एस पी आर, ठीक है। पहले आएगा क्यू, फिर एस, फिर पी और फिर आर, क्यू एस पी आर, हाँ ये सही है। इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, हु का हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बाय हुम में हम चेंज कर देते हैं। टीचेज प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वॉज वर्ब तो आएगा नहीं इसमें, इजमर आएगा। तो बाय हुम आर यू टॉट मैथमेटिक्स, ये सही है इसमें, ठीक है। ये एक नरेशन का क्वेश्चन है, आई डोंट नो द आंसर, डू यू, शी आस्क, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए शी आस्क, उसने दो क्वेश्चन पूछे, पहले उसने बोला है आई डोंट नो द आंसर, पहले एक स्टेटमेंट दिया है, और उसके बाद उसने बोला है डू यू, मतलब क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है वो बाद में उसने बोला है। तो इसमें हम बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे इसमें, मतलब क्वेश्चन वाला जो पार्ट है जो कि इफ से बनेगा वो बाद में आएगा, ठीक है। जैसे ये इसमें इफ दिया है, तो डू यू का एक्चुअली हो जाएगा पास्ट, तो डू यू का डिड हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस इसमें सही आंसर होगा आपका, शी शेड दैट सी डिड नॉट नो द आंसर, आई डोंट नो द आंसर का हो गया, सी डिड नॉट नो द आंसर, ठीक है। यहां पर डू नॉट का हो गया डिड नॉट, और चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले इसमें दैट आएगा, सॉरी यहां पर दैट आएगा। शी सेड दैट शी डिड नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सी इसका सही आंसर आपका होगा। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू, देखिए ये गलत है क्योंकि इसमें डू यू वाले पार्ट का आंसर पहले दे दिया गया है। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर विच सी डिडंट, ये घुमा दिया गया है, लेकिन ये गलत होगा इसमें, इसमें आंसर ये होगा। ये क्लोज टेस्ट है और इसको हम पढ़ते हैं। एजुकेशन इज फॉर लाइफ नॉट मेयरली फॉर ए लाइवलीहुड, एजुकेशन जो है वो लाइफ के लिए है पूरी, केवल लाइवलीहुड के लिए नहीं है। एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस, ठीक है, एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस। अब दिस में ऑप्शन दिए हैं मेजर, रिसोर्स, स्टोरी, ट्रुथ, ये एक ट्रुथ है एक्चुअली। एजुकेशन लाइफ के लिए होती है, लाइवलीहुड के लिए नहीं होती, ये रिसोर्स नहीं है, ये ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ट्रुथ, एजुकेशन इज फॉर लाइफ नॉट मेयरली फॉर ए लाइवलीहुड एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस ट्रुथ, जब तक हम इस ट्रुथ से अवेयर नहीं है, अनमाइंडफुल हैं। द ऑफ आवर एजुकेशन करिकुलम एज वेल एज, हमारे एजुकेशन करिकुलम की, एजुकेशन करिकुलम की क्या चीज नहीं बढ़ेगी, एजुकेशन करिकुलम की एफिशिएंसी तो होगा नहीं, इफेक्टिवनेस भी नहीं होगा, होगा क्योंकि एजुकेशन करिकुलम जो होता है वो क्वालिटेटिव हो सकता है। यहां पर आएगा क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ आर एजुकेशनल करिकुलम एज वेल एज दैट ऑफ आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट का रिलेशन किससे होता है, टीचर से, तो यहां पर जुड़ेगा टीचर, ठीक है। तो यदि जब तक हम इस सच्चाई को नहीं मानेंगे तब तक हमारे करिकुलम की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी और हमारे स्टूडेंट और टीचर्स की क्वालिटी भी नहीं इंक्रीज होगी। दैट ऑफ आर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज लाइकली टू रिमेन इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त रहेगी, likely to remain inadequate, it is not enough for a society to have experts, the kind of people who cannot be replaced by computers, computer का equivalent word क्या है, computer का equivalent word है robot, ठीक है, क्योंकि computer काम करता है उसी तरीके से robot काम करता है, तो computers और robots को human being replace कर सकता है, तो इसलिए computer का equivalent यहां पर robots आपका सही रहेगा।
तो इस तरीके से ये था सेट 15 और इसमें 25 क्वेश्चन थे और ये रियल क्वेश्चन है 2017 पेपर के। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पर्टिकुलरली सीजीएल टीयर 1 में। टीयर 2 में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 में केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है और लेवल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इन क्वेश्चंस की मदद से आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन होगी। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन ईमेल आईडी पर और इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।